संतोष बाबू का हालत काफी खराब है, गंभीर अवस्था में। हम लोग आपको लाइव वीडियो दिखा रहे हैं अभी, कितना अंदर है आपको कहीं ना मिलने वाला है। इतना 139 को धर कर अभी चलने वाले हैं हम लोग उमगा पहाड़। तो अभी हमारे आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, ठीक ना गाइस। तो आपको हम दिखाएंगे उमगा पहाड़ में कैसे देव उमगा और एक जगह और है, ये सब एक रात में बनकर तैयार हुआ है। और हम आपको उन लोगों को भी साथ में दिखाएंगे जिन्होंने वहाँ के गाँव के लोगों ने हमको बतलाया है। तो आप लोग वीडियो को छोड़ कर कहीं मत जाइएगा। तो गाइस अभी हम लोग उमगा पहाड़ के रास्ते में हैं और यहाँ से अभी हम लोग जाने वाले हैं उमगा पहाड़ मंदिर है। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं देव देवपुर आ गए हैं, तैयार हुआ है। ये बात कम से कम 10-15 मिनट और लगेगा, हम लोग फिर जाएंगे वहाँ। बगल से गाड़ी आ रही है और भीड़ देखिए वो भाई साहब बहुत ज़्यादा है। आप विश्वास ना करिएगा, यहाँ पर हर साल कम लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं भगवान के दर्शन के लिए, सूर्य भगवान के दर्शन के लिए। और यहाँ पर मेला, अद्भुत मेला लगता है, बहुत भीड़ बहुत। तो अभी हम लोग चलते हैं, बाइक को भी अपने स्टैंड में लगाते हैं वहाँ पर अभी। तो फाइनली आज हमारा बाइक स्टैंड मिल गया जहाँ पर 2-व्हीलर 4-व्हीलर लगता है। तो वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ पर अभी हम लोग बाइक लगाते हैं। तो चलिए हम वहाँ पर आपसे मिलते हैं। हम लोग यहाँ पर गाड़ी लगा लिए हैं, देखिए हमारा गाड़ी लगा हुआ है नंबर पे अभी, देखिए यही है लड़का। ठीक है तो ना बंद, ठीक है। तो अब लोग गाड़ी लगे हैं, तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं पहाड़ पर, आपको वहाँ का सीन दिखाते हैं, मेला वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। तो बहुत दिन बाद आ गए हैं, भीड़ भाड़ आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है भीड़ उमगा मेला में। देखिए यहाँ पर पुलिस लोग हैं, सब लोग हैं, जो भी भीड़ देखिए उमगा के बाप वो भाई इतना ज़्यादा भीड़ है, पहले शायद नहीं देखोगे। सिर्फ यहाँ पर सरस्वती पूजा के दिन भीड़ आपको दिखेगा और मतलब ऐसे नहीं दिखेगा। आज 26 जनवरी और सरस्वती पूजा दोनों हैं। देखिए हमारा तिरंगा लहरा रहा है उधर, और यहाँ पर देखिए 3-3 धूप चरखी लगा हुआ है। इधर आचार्य भैया बेच रहे हैं देखिए ब्रेक डांस है। भीड़ आप देखिए कितना ज्यादा, कितना भाई साहब, सिर्फ साल में एक बार यहाँ पर लगता है भीड़, वैसे भी नहीं लगेगा। इनके पास एक अंगूठी देना चाहते हैं, आप लोग वीडियो को दबाकर शेयर करें, ऐसा व्यू आप लोगों को कोई नहीं दिखाएगा। पहली बार आपको दिखा रहे हैं इतना ज़्यादा भीड़। हम लोग एक्चुअल में ना उनका साइज का है ही नहीं, और भैया रेट भी बोल रहे हैं 20 रुपया, इसका कम तो करने वाले हैं नहीं। तो चलिए यहाँ से अभी हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस देखिए भीड़ में प्रशासन भी साथ में है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, चेकिंग भी है। तो इधर से देखिए भीड़ देखिए वो भाई साहेब। तो चलिए टैटू वाला के पास अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या टैटू वाला भैया दिखा रहे हैं। देखिए इस टाइप का टैटू इन्होंने बना रखी है, इस टाइप को आपको डिजाइन करके आपके हाथ पर बना देंगे। तो आपको जिस तरह का टैटू चाहिए उस तरह के यहाँ पर आपको हैंड पर बना देंगे। भैया का रेट भी 180 रुपया है देखिए यहाँ पर। फिर उसके बाद हम लोग देखिए नौका, मेरे को तो इस पर बहुत डर लगता है झूलने पे यार, क्या बोलूँ, बहुत ऊपर ले जाता फिर नीचे, जब ऊपर ले जाता तो मज़ा आता, जब नीचे आता तब बाप रे बाप, इतना डर हमारा बड़ी डर लगता है। चलिए अब इधर के सीन देखते हैं, देखिए चावल पर नाम लिखा है, बात तो सही है इनका।
तो भैया आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा। देखिए चरखा वगैरह, अभी हम लोग पहाड़ पर चढ़ने वाले लेकिन चढ़े नहीं है। देखिए इधर ये सब मिल रहा है, लेकिन एक बात है कि मेला में सामान आपको दोगुना रेट पर मिलेगा, 10 का है डायरेक्ट 20 बोलेगा इन्होंने। देखिए यहाँ पर मुक्का वगैरह है, इधर दान पुण्य करने वाला सामान है। सोचिए साल भर का दिन आता है, साल भर पे एक दिन आता है सरस्वती पूजा, इसमें भी आप वो देख सकते हैं। वो देखो मैडम कितना खूबसूरत लग रही है। बाबू चश्मा बोल खेली, एगो भैया ऊपर वाला चश्मा निकाला तो ऊपर वाला 3 नंबर पूना भैया, हाँ वही वाला। अरे ले 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 देख, अरे बढ़िया लगेगा, तुम पहनो तो सही एक बार, देखो तुम लुक फाड़ ले है। इधर देखो तो कैमरा में कैसे लग रहा है, फर्स्ट क्लास है। देखो यहाँ पर डबल रेट है भाई, मार्जिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। यहाँ समोसा खरीदते हैं, 2-3 पीस समोसा खरीद लिए हैं जो कि 30 रुपये का दिया, तो मेला के रेट आपको हम बताए थे कि दोगुना लेता है बढ़ाकर। तो यहाँ पर भी देखिए हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, अरे नीमक है जनाएगा, लाल मिर्च है सर, डाल दीजिए तो नीमक डाल दा नीमक सर, धनिया डाल दा भैया भी चलेगा। तो यहाँ से हम लोग ले ली हैं और अब हम लोग चढ़ेंगे ऊपर पहाड़ पर, खाएंगे और सामान भी लिए हैं खाने के लिए। तो यहाँ से अभी हम लोग डायरेक्ट चलते हैं पहाड़ पर, आपको वीडियो में दिखाएंगे। हम लोग को डर लगता है, एक बात है कि हम आना चाहते थे मम्मी के पापा के साथ, लेकिन क्या करें नहीं आ पाए उनके साथ। मम्मी बोल रहे थे कि तुमने चला गया अकेले, मेरे को नहीं ले गया। तो मम्मी पापा मेरे तरफ से आपको सॉरी है, माफ़ कर दीजिएगा। अभी हम लोग चढ़ते हैं पहाड़ पर, चल या जो होगा देखा जाएगा। चलो ठीक है, तो भैया यहाँ पर समोसा सिंघाड़ा केला छेना सब चीज़ ले लिए हैं जो ऊपर अभी बैठ के खाएंगे, उसको बहानना है तो बहान लो। तो चलिए आप लोग वीडियो छोड़ कर कहीं मत जाइएगा, अभी हम लोग देखिए पहाड़ चढ़ने वाले हैं, ऊपर से भी आपको व्यू दिखाएंगे सारा उमगा पहाड़ का, ठीक ना। तो भाई अभी देखिए धीरे धीरे हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं यहाँ से, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक ना, बहुत मेहनत लग रहा पहाड़ चढ़ाई में, लेकिन कुछ मज़ा पाने के लिए थोड़ा सा तो इन्जॉय करना बनता है ना। जो गाइस अभी हम कहाँ तक आ गए हैं, जी पहाड़ काफ़ी ऊंचाई पर भी है उमगा, तो वीडियो को छोड़ कहीं मत जाइएगा। देखिए थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने वाला है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा होगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं व्यू दिखा रहे हैं, है ना। तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो गाइस नज़ारा देखिए, अभी हम लोग पहाड़ से हैं, पहाड़ से आधा पहाड़ चढ़े हैं, आपको नज़ारा दिखा दे रहे हैं। देखिए कितना ज़्यादा है भीड़ भाड़ भाई साहब, कहा जाता है कि ये मंदिर यहाँ पर जो देखिए आपको दिखाएंगे दिखेगा, तो ये जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला ये मंदिर और एक देव मंदिर और एक और जगह है जहाँ पे ये सब एक दिन में बनकर रेडी हो रहा था, जबकि भोर हुआ तो कहा जाता है कि भगवान चले गए आधा अधूरा मंदिर को छोड़ के बना के। तो ये सब कहावत है या अंधविश्वास मेरे को पता नहीं, हमको तो लग रहा है कि ऐसा नहीं है, इसे किसी ने बनाया होगा, लेकिन एक बार हम फिर कन्फ्यूजन होता कि इतना गाँव वाले हैं, अगर मंदिर मान लिया अंग्रेज वगैरह बनाते तो आप लोग को शायद पता चल जाता गाँव वाला कि हाँ, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर रियल बात है कि यहाँ पर अपने आप से मंदिर बना हुआ है, खुद से खुद भगवान बनाया है। तो आप देखिए भीड़ देखिए, पहले आप कितना श्रद्धालुओं का भीड़ है, इस तरह का नज़ारा आपको ब्लॉग में किसी ने पहली बार भी नहीं दिखाया होगा, पहली बार दिखा रहे हैं।
देखिए यहाँ पर लहंगा देखिए, है ना। अभी मंदिर का जो सीढ़ी था वो काफ़ी जाम भीड़ था, इसलिए हम लोग शॉर्टकट अपना कर पहाड़ से अभी हम लोग जा रहे हैं। तो गाइस तो अभी और आगे वीडियो में बने रहिएगा। कितना ऊपर चढ़ना, जो ऊपर वाला दिख रहा ना, दिखाना आपको, यहाँ पर भी चढ़ना हम लोग को। मेरा एक दोस्त भी चल रहा है यहाँ से ऊपर, काफ़ी चढ़ाव रास्ता है, लेकिन आप लोग के लिए वीडियो में दिखाते रहेंगे। अरे आओ यार चलो, हमने चला चलना रे, खड़ा थोड़ा चल के वो लोग जाने के लिए काफी जोश में है। चल भाई ना होते ना होते भाई, आराम से चलो बाबू चलो। ऐसे कह रास्ता ना है तो वैसे चले, चल भाई चल। गाइस गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी हम लोग इसके अंदर से हिलने वाले हैं। देखिए एक मिनट रुकिए, देखिए तो यहाँ से भी हम लोग जाने वाले हैं गुफा में, काफ़ी अंदर है भाई साहब, बहुत खराब है, सब गांड फट गई रे। तो देखिए अभी यहाँ पर टपा टप कुछ भी हो सकता है। देखिए मेरे साथ एक आया है भाई, आई तू यार मोबाइल के रखते हैं यहाँ पर, चल रुक मोबाइल को एक्शन में तो पकड़े, बता ध्यान रख, जो कोई नहीं दिखाएगा आपको, जिसके लाइव दिखा रहे हैं भैया लाइव लाइव। देखिए बहिनचोद कहाँ निकल ली रे बाप, ये देखिए उंगा पहाड़ है, इससे ऊंचा अभी तक कोई पहाड़ मैंने नहीं देखिए। गांव कितना छोटा दिख रहा है पहले आप देख कर बताइए, इतना ऊंचा वीडियो अगर किसी ने बनाया है तो आप उनको बताइए, उस टाइप का कोई नहीं बनाया, सबसे ऊंचा है देखिए, इससे ऊंचा नहीं है, ठीक ना। तो वीडियो में तो हम लोग गए इस पहाड़ चढ़ के पार कर गए, और अभी हम लोग यहाँ आ गए हैं। देखिए छोटा सा गुफा है जहाँ पर सालों भर पानी जमा रहता है, तो लोगों श्रद्धालुओं के यहाँ मानना है कि यहाँ पर पानी छिटने से अपने सर पर सारे ग्रह दूर हो जाती हैं, और कई तरह की मान्यता भी है। तो यहाँ पर देखिए हमारे एक दोस्त जा रहा अंदर, यहाँ से भी पानी लेगा, और एक बोतल हम लोग भी अपने घर के लिए लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अंदर बहुत गहरा कुआँ है, अब पता नहीं कितना गहरा है ये तो मेरे को नहीं पता है। और देखिए यहाँ पर भीड़, देखिए चाची को कैसे जा रहे हैं, साइड से गिर जाएंगे तो हो जाएगा मुँह बन जाएगा चोखा जैसा, यानी कि साइड से चले। भीड़ देखिए, बाप रे बाप, इतना भीड़ पहले हम नहीं देखे थे ब्लॉग में। देखिए इधर लगातार भीड़ है, तो अभी मेरा एक दोस्त बोतल उसको दिया, वो पानी भी भरेगा, भर के हम लोग को दो देगा, ठीक ना। तो इसके बाद हम लोग जाते हैं मंदिर को दर्शन के लिए, बढ़ेंगे आएंगे तो यहाँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा भीड़ है, लोग यहाँ पर लगभग 50-60 आदमी यहाँ पर है जो कि पानी को भरने के लिए खड़ा इंतजार में साइड में है, और बाकी सब पिकनिक मनाने के लिए ऊपर जा रहे हैं आज। और ऊपर में खसी का बलि उलि आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बंदा पानी भर लिया है मेरा वाला। और चलिए यहाँ से थोड़ा सा पानी लेते हैं हाथ में और छीट लेते हैं। तो भी श्रद्धालु का भीड़ देख सकते हैं कितना ज़्यादा है यहाँ पर, सरस्वती पूजा भी है, भीड़ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा देखिए है ना भीड़, अब हम दिखाते हैं और भी ज़्यादा। तो आप लोग मंदिर का आई होप कि दर्शन कर लिए होंगे, तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाकर हमको बताइए, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।